राधे राधे, आज मैं 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाने जा रही हूँ। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। इस ड्रेस को हम हर साइज में बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। आप इसे 2 और 3 नंबर के लिए बनाना चाहें तो यही साइज रखें, और यदि इससे छोटी बनाना चाहें तो आप, जब मैंने ये वाली लाइन बनाई थी, देखिए 1, 2, 3, 4, इसके बाद मैंने घटाने शुरू किए थे। तो आप ज़्यादा छोटी बनाना चाहें 0 या 1 नंबर की, तो 3 ही लाइन रख लें, उसके बाद घटा दें। इसके साथ ही देखिए, ये मैंने 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है, इसमें मैंने ये वाली लाइन ज़्यादा बनाई है। देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लाइन बनाने के बाद मैंने घटाने शुरू किए हैं। तो ये मेरे 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बन गई है। तो मैंने ये चोली तैयार करके रखी है। यदि आपको इस चोली का वीडियो देखना है तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम अपना घेरा बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मुझे 2 चैन बनानी है। अब देखिए, मुझे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये मेरे 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे, और इसके बाद मुझे 3 चैन बनानी है, 1, 2, 3, और 1 हुक को छोड़कर अगले हुक में फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए, फिर मैं एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, इसके बाद फिर मैं 3 चैन बनाऊंगी और 1 हुक को छोड़कर अगले हुक में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब देखिए, यहाँ पर मेरे ऊपर ये डबल क्रोशिया हैं, ये 20 आए हैं। तो मुझे क्या करना है, ये 3-3 चैन से जैसे मेरे हुक बन रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 हुक छोड़ के चैन फिर से बनाती हूँ। तो इसमें मेरे 3-3 चैन को गिनूंगी तो 3 6 18 होंगे, तो 2 हुक मेरे फालतू आ रहे हैं। तो मैं एक जगह पर, 2 जगह पर 3-3 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी, तो मेरी ये एडजस्ट हो जाएंगी। देखिए, यहाँ मैंने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब मैं फिर 3 चैन बनाऊंगी और 1 हुक छोड़कर अगले हुक में सिंगल क्रोशिया, अब फिर 1 सिंगल क्रोशिया और फिर 3 चैन। देखिए, यहाँ मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर 3 चैन बनाई, फिर 1 हुक छोड़ा और अगले हुक में बनाई। ऐसे ही मैं अपनी इस लाइन को कंप्लीट कर लूँगी। देखिए, ऐसे ही बनाते हुए मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली है। इसमें मेरी 6 लूपें आएंगी। देखिए, ये 1, 2, 3, इधर 4, ये 5, और ये मेरी, देखिए, 1 हुक छोड़कर मैं इसमें ज्वाइंट कर लूँगी तो 6। देखिए, यहाँ मैं इसको ऐसे ज्वाइंट कर लूँगी तो ये मेरी 6 लूप हो गई। अब मुझे यहाँ पर आना है, तो यहाँ देखिए, मैं ऐसे धागे को निकालते हुए यहाँ पर आ जाऊँगी। शुरू में देखिए, मैं इस धागे को ऐसे निकाल लूँगी। अब देखिए, इस धागे को ऐसे लिया यहाँ पर, देखिए, और इसमें से 1 दफ़ा, ये 2, ये 3, 3 बार ऐसे निकालने के बाद मुझे इस धागे को, देखिए, यहाँ से पकड़ लेना है और इन सभी को एक साथ निकाल देना है, और फिर ये वाला जो धागा पकड़ा था उसे वापस क्रोशिया में डालते हुए इन दोनों का 1 कर देना है। देखिए, और अब 1 चैन बनानी है। इसमें ही मुझे फिर बनाना है ऐसे, देखिए, 1, ये 2, ये 3, 3 बार ऐसे धागे को लेने के बाद मुझे ये वाला धागा, देखिए, यहाँ से ऐसे इस हाथ से पकड़ लेना है और इस हाथ से पकड़ने के बाद इन सभी को एक साथ निकाल लेना है। देखिए, इन सभी को एक साथ निकाल लिया, और जो धागा पकड़ा था उसे क्रोशिया पर चढ़ाना है और इसे 1 कर देना है। देखिए, अब 1 चैन बनानी है। एक बार और मुझे ऐसे ही करना है। देखिए, 1, ये 2, ये 3। देखिए, 3 बार होने के बाद इस धागे को ऐसे पकड़ूंगी और इन सभी को एक साथ निकाल लूंगी, और इस धागे को वापस ऐसे क्रोशिया पर लूंगी और इनको, देखिए, ये मेरे इस लूप में 3 बन गए हैं। अब मुझे 2 चैन बनानी है और अगली लूप में बनाना है। देखिए, अब मेरी ये वाली लूप है, इसमें मुझे ऐसे ही बनाना है। देखिए, ये धागे को ऐसे लिया, ये 1, ये 2,
ये तीन, और यहाँ से धागे को पकड़ते हुए इन सभी को देखिए ऐसे निकालना है और इस पे धागे को चढ़ा देना है और फिर इसको ऐसे निकालना है। देखिए एक एक, ये दो, ये तीन, ऐसे ही देखिए बनाते हुए मुझे अपनी लाइन को कंप्लीट करना है। इसमें देखिए मैं एक बार और बनाऊंगी और ऐसे ही बनाते हुए मैं अपनी लाइन को कंप्लीट कर लूंगी। देखिए ऐसे ही बनाते हुए मैंने अपनी लाइन को कंप्लीट कर लिया है और अब मैं अपनी एंड पर हूँ। यहाँ देखिए मुझे जो ये वाला फर्स्ट जो है मेरा, इसमें पहले एक बार ऐसे बना लेना है, फिर मुझे यहाँ पर देखिए एक दो तीन, तीन बार बनाने के बाद वैसे ही देखिए ये धागे को पकड़ा और इस धागे को ऐसे लिया और एक चैन, यहाँ पर मुझे तीन बार बनाने हैं, एक दो तीन, इस धागे को पकड़ना है, ऐसे निकाल देना है, फिर एक चैन। देखिए एक बार और बनाऊंगी यहाँ पर, एक दो तीन, इन सभी को एक साथ निकाल दो, देखिए एक चैन। अब मुझे यहाँ पर बनाना है एक, तीन बार मैंने यहाँ पर बनाए और एक बार यहाँ बनाऊंगी, तो टोटल मेरे इस पर चार आ गई। शुरू में मैंने तीन तीन बनाए थे, अब मेरे चार चार आ जाएंगे। देखिए एक दो तीन और ये चार, सॉरी एक दो और ये तीन, और तीनों को एक साथ ऐसे निकाला। यहाँ मैं दो चैन बनाऊंगी, एक और दो, देखिए देखिए यहाँ मेरे चार आ गए, एक दो तीन चार। ऐसे ही बनाते हुए मुझे अपनी ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। देखिए अब मैं एंड पर आ गई हूँ, यहाँ पर मुझे फिर देखिए जो मेरा ये फर्स्ट वाला हुक है इसमें, देखिए इसमें स्टार्टिंग में एक बार ऐसे निकालना है और फिर वैसे ही तीन बार बनाने हैं, एक दो तीन, यहाँ से धागे को पकड़ के ऐसे निकालना है, दो का एक, फिर एक चैन, एक दो तीन, दो बन गए। इसमें एक बार और देखिए, एक ये एक दो ये तीन, तीनों को एक साथ निकालना है। देखिए यहाँ मेरे तीन हो गए, यहाँ फिर एक एक बार कर बनाना मुझे, एक दो तीन, यहाँ एक बार बनाया, यहाँ पर भी एक बार बनाना है, एक दो तीन, और यहाँ फिर दो चैन लेनी है। देखिए यहाँ मेरे चार आ गए, स्टार्टिंग में मेरे तीन थे, फिर चार आए थे, अब मेरे देखिए पांच आ गए, तीन ये एक एक ये पांच आ गए, तो अगली में मेरे छह आ जाएंगे। ऐसे ही शुरू में तीन बनाऊंगी, फिर इन पे एक एक बनाऊंगी, तो अगली लाइन में मेरे छह आ जाएंगे। ऐसे ही बनाना है मुझे, देखिए ऐसे ही बनाते हुए मैं अपनी लाइन को कंप्लीट कर लूंगी। देखिए ऐसे ही बनाते हुए मैंने एक लाइन और कंप्लीट कर ली थी। इसमें देखिए स्टार्टिंग में मेरे तीन थे, तीन के ऊपर मैंने ये चार बनाए, फिर मेरे पांच आए और उससे आगे मेरी लाइन में छह आए हैं। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे दो चैन बनानी है और जो ये वाला हुक है इसमें ज्वाइंट करूंगी शुरू में, और फिर देखिए एक दो तीन, इस बार मुझे हर हुक में से एक एक बरी बनाना है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में तो मैं हर बार जैसे तीन तीन बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने एक ही बनाया है, तो अगले में भी मैं अब जो मेरा अगला हुक है उसमें एक बार बनाऊंगी, एक दो तीन, देखिए अब मैं एक एक बनाते हुए लाइन को कंप्लीट करूंगी और इसके बाद भी मैं एक एक बनाऊंगी। इस तरह मेरे ये अब घटते चले जाएंगे।
देखिए अब मेरे इसमें 5 आए हैं। अब यहाँ एक चैन बनाकर मुझे बैक कर देना है, और यहाँ सबसे पहले मुझे ऐसे निकालना है, और अब फिर 3 बनाऊंगी। देखिए 1 2 और ये देखिए 3। इसके बाद एक चैन। अब अगले हुक में बनाना मुझे 1 2 3। अब अगले में देखिए 1 2 3। अब इसमें 1 2 3। अब देखिए यहाँ चैन लूंगी और ऐसे बैक कर दूंगी। अब मेरे 4 आए, देखिए 6 के ऊपर मेरे 5 आए थे, 5 पर मेरे 4 आए। अब देखिए मेरे 3 आएंगे, 1 2 3। दो तीन। अब फिर बैक कर देना है। अब 3 के ऊपर मुझे 2 बनाने हैं, 1 2 3। एक दो तीन। अब देखिए यहाँ मुझे 1 ही बनाना है, 1 2 3। देखिए अब मेरी ये शेप कुछ ऐसी आएगी। अब मुझे लास्ट में क्या करना है, इस धागे को थोड़ा लंबा लेना है और एक चैन ऐसे बनानी है और एक और बनानी है। 2 चैन बनाने के बाद मुझे यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। फिर मुझे देखिए ये लंबा करते हुए धागा 1 और 2 चैन बनानी है, और फिर मुझे यहाँ पर देखिए जो मेरा ये हुक नोक है यहाँ पर धागे को डालकर सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए लंबा करूँगी 1 2, फिर मुझे हुक की जो ये नोक थी यहाँ पर डालकर देखिए सिंगल 1 2। देखिए सिंगल क्रोशिया 1 2 चैन लेते हुए मुझे जो ये लास्ट हुक है घटाई का इसमें देखिए ऐसे किया। अब यहाँ मैं एक चैन बनाऊंगी और अपने इस दूसरी वाली जो मेरी देखिए ये वाली पत्ती मेरी पूरी हो चुकी है, अब मैं इस दूसरी वाली में आ गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मुझे ऐसे करना है और फिर 3 1 2 3, तीनों को एक साथ लिया घटाया। अब मैं अगले में फिर बनाऊंगी 2 3। तो देखिए यहां पर भी मैं हर हुक में से एक एक बार बनाऊंगी, तो ये मेरे 6 हैं, इनके ऊपर 5 आ जाएंगे। फिर इसी तरह 5 पर 4, 4 पर 3, 3 पर 2 और 1, और फिर वापस ऐसे ही करना है। ऐसे करते हुए मुझे ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। यहां तक मेरी जो 6 पत्तियां हैं उन्हें मैं बना लूंगी। ऐसे ही देखिए मैंने घटाते हुए अपनी सारी पत्तियों को बना लिया है। इसके बाद देखिए मुझे क्या करना है, मैंने देखिए ये वाली पत्ती तैयार की है, ऐसे ही मुझे और पत्तियां भी तैयार करनी है। तो देखिए मैं कैसे तैयार करती हूँ। सबसे पहले हमें देखिए जो हमारा ये वाला हुक है इसमें धागे को डालते हुए एक गांठ लगा लेनी है। देखिए यहां एक गांठ लगाने के बाद मुझे यहां पर देखिए एक बार ऐसे एक चैन बना लेनी है। इसके बाद देखिए मुझे यहां पर धागा लिया ऐसे
और इसके अंदर डाला ये एक, यहां मैं पांच बार लूंगी। देखिए ये मेरा एक हो गया था। इस धागे को हम साथ रखेंगे ताकि ये दबता चला जाएगा। दो, ये तीन, चार और ये देखिए पांच। पांच होने के बाद इन सभी को मैं एक साथ निकाल दूंगी और एक देखिए ऐसे चैन बना लूंगी। इसके बाद देखिए हमें जो ये वाला हुक है हमारा, देखिए यहां नहीं बनाएंगे, जो इसके ऊपर ये वाला हुक है, देखिए ये वाला, इसमें हमें सबसे पहले बनाना है सिंगल क्रोशिया। देखिए ये धागा डाला और इन दोनों को एक साथ निकाल दिया, ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। अब मुझे इसमें से पांच बार निकालना है, ये एक, दो, तीन, चार और ये पांच। देखिए इन सभी को एक साथ निकाल दूंगी, फिर एक चैन बनाऊंगी। और अब मुझे देखिए जो ये मेरा नेस्ट है, देखिए ये वाला, यहां बनाना है। यहां ऐसे ही पहले सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर पांच बार निकालूंगी। ऐसे ही बनाते हुए मुझे जो देखिए सबसे ऊपर ये वाला हुक है, यहां तक बनाऊंगी पहले मैं, यहां तक अपनी लाइन को कंप्लीट करूंगी। देखिए ऐसे ही बनाते हुए मैं ऊपर तक आ गई हूं। अब देखिए जहां मैंने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, देखिए ये मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इस सिंगल क्रोशिया में अब मुझे देखिए ऐसे धागे को निकालना है पहले सिंगल क्रोशिया बना के। देखिए अब मुझे पांच बार यहां बनाना है, एक, दो, एक, ये दो, ये तीन, चार और ये पांच। पांचों को एक साथ निकाला और फिर चैन बनाए। अब मुझे देखिए यहां पर जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें ऐसे ही मैं हर जहां सिंगल क्रोशिया बनाया था इन पे बनाते हुए यहां तक आ जाऊंगी। अब देखिए यहां मैंने सिंगल क्रोशिया में बनाते हुए अब मैं यहां पर आ गई, तो यहां पर भी देखिए जो मेरा ये सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, देखिए जो बना हुआ है इसी में बनाऊंगी मैं। एक, दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। इन सभी को एक साथ निकाला और एक चैन बना। अब देखिए अब हमें यहां पर जो ये हमारा हुक है, देखिए ये चैन है, यहां नहीं बनाना, इसमें नहीं बनाना। अब हमें ये वाला जो है हमारा, इसका ये वाला हुक है जो, देखिए ये वाला, एक बार फिर से देखिए इस चैन का ये वाला हुक है, इसमें बनाना हमें पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए अब पांच बार, एक, दो, तीन, चार और ये हो गए हमारे पांच। इन सभी को एक साथ निकाला और ऐसे एक चैन बनाई। अब फिर देखिए हमें जो ये वाला हुक है, देखिए इसमें बनाएंगे, इस हुक में। पहले सिंगल क्रोशिया बनाया, अब पांच बार, एक, दो, ये तीन, ये चार और एक पर और देखिए पांच, फिर एक छह। देखिए अब हमें फिर से एक बार इसमें जो ये वाला हमारा हुक है इसमें बनाना है। देखिए पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर देखिए पांच बार इसी में बनाना है, एक, ये दो, तीन, ये चार और ये पांच। देखिए इन सभी को एक साथ निकालना है और एक चैन बनानी। अब देखिए हमें
जो ये वाला हमारा जहाँ से हमने ये तीन तीन बनाने शुरू किए थे, यहाँ पर जो हमारा ये ज्वाइंट है, देखिए ये तीन तीन बनाने शुरू किए थे और ये चैन ली थी यहाँ पर। हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और एक चैन बनाकर धागे को कट कर देना है। अब देखिए मुझे दूसरा धागा जोड़ना है, तो अब मुझे दूसरी लाइन चालू करनी है। तो ये वाली जो मेरी लाइन है ये चालू करनी है मुझे। तो इस लाइन में देखिए ये वाला हुक है मेरा, ऊपर वाला ये वाला, देखिए एक बार फिर से ये वाला, इस हुक में मैं जोड़ूंगी धागे को। देखिए इस हुक में, इस हुक में मुझे धागे को जोड़ना है। इस हुक में धागे को जोड़ने के बाद मुझे यहाँ पर फिर से देखिए स्टार्टिंग में एक चैन बनाऊंगी और अब पांच दफा इसी में से निकालूंगी। देखिए ऐसे धागे को लिया, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। देखिए इन सभी को एक साथ निकाल देंगे। और ये अब मुझे जो ये वाला हुक है मेरा, इस हुक में देखिए इस हुक में सिंगल क्रोशिया बनाया और पांच दफा निकालूंगी ऐसे ही। देखिए इस बार मैं इस हुक में, फिर मैं इस हुक में बनाऊंगी, इसके बाद इस हुक में बनाऊंगी। देखिए यहां तक बनाऊंगी मैं, उसके बाद वापस मुझे इस हुक में बनाना है। देखिए इस हुक में बनाना है, इसके बाद मुझे फिर इस हुक में और फिर इस हुक में बनाऊंगी। देखिए ये वाला जो मेरा हुक है इसमें, फिर इस हुक में बनाऊंगी, फिर इसमें, देखिए फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे ही मुझे ये लाइन कंप्लीट करनी है। तो एक बार देखिए अब मुझे यहाँ पर इस हुक तक बनाना है। देखिए ऐसे ही बनाते हुए मैंने ऊपर तक इस हुक में बनाया। अब मुझे देखिए ये वाला हुक, इस लाइन का, ये वाली लाइन तो मैंने बना ली थी, अब इस लाइन पे आना मुझे। तो इस लाइन का मेरा ये वाला हुक जो है इसमें बनाना है। पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर पांच बार लेना है, एक, दो, तीन, ये चार और ये पांच। इन सभी को एक साथ निकालना है और एक चैन बनाना है। देखिए अब मुझे यहाँ पर जो मेरा ये वाला हुक है, देखिए इसमें ऐसे ही बनाते हुए देखिए मुझे यहाँ तक बनाना है और यहाँ पर मैं ज्वाइंट कर दूंगी। यहाँ तक हर हुक में देखिए इस हुक में बनाऊंगी, फिर इस हुक में और इस हुक में, ऐसे ही बनाते हुए मुझे ये लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए ऐसे बनाते हुए मैंने अपनी ये लाइन कंप्लीट कर ली। अब मुझे यहाँ पर देखिए ये जो मेरे तीन ज्वाइंट हुए थे, पहले मैंने जो नीचे तीन ज्वाइंट हुए थे वहां का किनारा लिया था, इस बार जो मेरे यहाँ पर तीन ज्वाइंट हो रहे हैं दूसरी लाइन में, वहां पर देखिए ऐसे ही लिया, सिंगल क्रोशिया बनाया और एक चैन ली और धागे को कट कर दूंगी। इसके बाद हम इस धागे को नीचे कर लेंगे ताकि हमारा धागा दिखेगा नहीं। देखिए इसमें मेरे देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ आए हैं। इससे पहले वाली में मेरे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह बने थे। यहाँ मेरे ये चौदह बने थे, इसके बाद ये मेरे नौ बने थे। अब मुझे तीसरी लाइन शुरू करनी है। तो देखिए तीसरी लाइन शुरू करने के लिए मुझे जो मेरा देखिए इसमें मैंने यहाँ से ज्वाइंट किया था, इसमें यहाँ से ज्वाइंट किया था,
अब तीसरी लाइन के मेरे ये दो हुक बचे हुए हैं, तो मुझे इसका देखिए ये ऊपर का है, इस हुक में जो ये ऊपर का है, ये मेरी तीसरी लाइन है, तो इसमें ये वाला देखिए ऊपर का है, यहाँ मैं ज्वाइंट करूँगी। यहाँ गांठ लगाने के बाद मुझे यहीं पर देखिए एक चैन बनानी है। अब मुझे ऐसे ही पांच बार बनानी है इसमें से, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच बार बनाने के बाद पांचों को एक साथ निकालना है और एक चैन बनानी है। अब देखिए इसमें मुझे ये वाला जो ऊपर का मेरा है हुक, ये वाला, इसमें पहले सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब मुझे पांच बार बनाने हैं इसमें से, देखिए ऐसे पांच बार धागे को निकालना है, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच बार धागे को निकालने के बाद पांचों को एक साथ निकालना, फिर एक चैन ली। अब देखिए मुझे इसमें ये वाली मेरा ही लाइन है, देखिए तो इसमें मैं इस हुक में बनाऊंगी, इस हुक में बनाऊंगी और फिर देखिए ये मेरे तीन के ज्वाइंट है, तो मैं यहाँ तक बनाऊंगी इसमें। इस लाइन में मैंने चार बनाए, एक इधर एक इधर एक ये और एक ये। अब चार होने के बाद इसके जो तीन, देखिए इसमें तीन बने हुए, यहाँ का इसका ये ज्वाइंट है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया और एक चैन बनाते हुए धागे को कट कर दूंगी। देखिए और इस धागे को नीचे कर लूंगी, देखिए ऐसे ही मैं सभी पत्तियां, ये मेरी पत्ती बन गई, ऐसे ही मैं सभी पत्तियां बनाते हुए अपनी ड्रेस को कंप्लीट करूंगी। देखिए इसमें मेरे चार आए हैं, देखिए ऐसे ही बनाते हुए मैंने अपनी सभी लाइनें कंप्लीट कर ली हैं, और साथ ही मैंने देखिए इधर भी हाफ क्रोशिया और बाजुओं पर भी हाफ क्रोशिया कर सिंगल क्रोशिया कर लिया है। ये मेरी दो और तीन नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनकर तैयार है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।